जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपको कैसे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम निकल के आती है जब आप अपना फोटो और साइन अपलोड करते हैं। तो आपको यहाँ पर कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करके फोटो को बनाना है, चाहे आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहां पर फॉर्म से जुड़े हुए सभी अपडेट आपको एक एक करके दिए जाएंगे, जिसमें कि अपीयरिंग स्टैंड को कैसे फॉर्म भरना है वो बताया जाएगा, पेपर फर्स्ट के लिए सिंपली अगर फॉर्म भर रहे हो वो कैसे भरेंगे, पेपर टू पर कैसे भरेंगे, ये सब अलग अलग आपको वीडियोज यहां पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी फॉर्म कैसे भरना है सीटेट दिसंबर का, उसकी वीडियो में बना चुका हूं जो कि आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको सभी जानकारी चेक करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है। और यहां पर आ जाने के बाद में आपको सीटेट फोटो साइन एडिट वेबसाइट लिंक ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अभी आप क्या करेंगे, जो आपने अपना फोटो लिया है वो फोटो आप यहां पर अपलोड करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको फोटो के नीचे कोई डेट कोई नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन चेक किया, इसमें यहां पर कहीं भी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपको फोटो के नीचे डेट या फिर आपका डेट ऑफ फोटो लिखना है। बस ध्यान रखना है कि आपके फोटो का साइज 10 से यहां पर जो बेसिकली साइज है मैं आपको एक बार वेबसाइट पर दिखाता हूं, 10 से 200 केबी के बीच में, और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो अभी आपने करना क्या, ये वेबसाइट आपने ओपन कर ली। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। अब क्योंकि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए, ये मैं आपको डेमो के लिए अपलोड करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ इमेज की। अब मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। अब इसमें जो आपको डायमेंशन रखना है, आपको यहाँ पर बाय डायमेंशन सेलेक्ट कर लेना है। ये वेबसाइट मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो आप यहाँ पर इसमें वाइड 480 रखिएगा, हाइट आप यहाँ पर ऐसे 640 रख लीजिएगा। ये लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पर ये 480 640 नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ये जो टिक है इसको अनटिक कर दीजिएगा। फिर आप यहां पर जो भी लिखेंगे वो लिखा जाएगा, कोई उसमें ऑटोमेटिकली आपके रेजोल्यूशन को काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप यहां पर इस तरह से लिख दीजिएगा। अब है बैकग्राउंड फिल, बैकग्राउंड फिल में आपको यहां पर पी के कलर पर क्लिक करके व्हाइट टिक कर देना है, उससे आपके फोटो का बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो वो ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। और यहां पर जो हाइट के सामने इसमें आपको पिक्सल रखना है। इसके बाद गाइज अगर आपका फोटो बड़ा आ रहा है, आपको उसको क्रॉप करना है, तो आप यहां पर क्रॉप के सेक्शन के ऊपर आकर के अपने फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट है बहुत सारा, तो आप उस एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप कर लीजिएगा, ताकि फोकस सिर्फ आपके फोटो के ऊपर रहे, जैसे कि मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। इस तरह से ये आपने कर लिया। अभी आप यहां पर इसके रिसाइज के सेक्शन पर आएंगे, और उसके बाद टारगेट फाइल साइज। तो टारगेट फाइल साइज इसमें आप जैसे कि मैंने कहा 10 से 200 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, 50 100। तो जैसे कि मैंने 50 किया, सेव इमेज एज ओरिजिनल यहां पर यही रहने दीजिए। अब आपको रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी फाइल यहां पर इस तरह से प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद में आप यहां पर डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब वैसे तो मैंने यहां पर फोटो पहले से अपलोड करके रखा है, पर मैं आपको अगेन चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं। ये फोटो मैंने अभी बनाया आपके सामने, इसको सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, और आप यहां पर अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करिएगा, और फिर यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से अपलोड हो चुकी है। तो सिंपल तरीके से फोटो अपलोड हो गया। सेम वे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इसी वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना है आपको। यहां पर इसमें अगेन इस वेबसाइट को ओपन करके मेन पेज पर आना है। आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, यहां से ओपन कर लेना है। अगर सिग्नेचर में एक्स्ट्रा पार्ट है तो क्रॉप के ऊपर क्लिक करके उसको क्रॉप कर लेना है। फिर रिसाइज के सेक्शन के ऊपर आकर के आपको वाइड यहां पर इसमें 140 का आप 280 कर दीजिएगा, क्योंकि काफी आपको इसमें स्पेस मिलता है, और यहां पर 120 ही रहने दीजिएगा। उसके बाद टारगेट फाइल साइज आप यहां पर 20 के भी लिख लीजिए, और इसके बाद रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका सिग्नेचर बनके तैयार हो जाएगा। अगर इसका साइज कम आ जाता है, जो कि इसमें आपको 4 KB बोला है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं 4 KB, तो 4 KB से अगर कम आ जाता है तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर सर्च करना है इंक्रीज इमेज साइज। तो
आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा इंक्रीज इमेज साइज, पहली वाली वेबसाइट जो आएगी ये आपको ओपन करनी है, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जो आप यहाँ पर साइन डाउनलोड किए हो अगर उसका साइज 4 KB से कम होता है तो फिर आप गाइज उस फाइल को यहाँ पर इसमें सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और इसका जो साइज आपको बढ़ाना है वो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, फिर इंक्रीज इमेज साइज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो साइज यहाँ पर रखे हो उस साइज के अंदर आपका फोटो बन जाएगा और आपकी फोटो की क्वालिटी भी लूज नहीं होगी। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको आना है, मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये साइन सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करता हूँ और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और देख लीजिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सिंपली अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आपको फोटो साइन अपलोड कर देना है। अब अगर इस सब के बाद भी आपका फोटो साइन आपसे अपलोड नहीं हो रहा है और आप मेरे द्वारा अपना फोटो साइन बनवाना चाहते हैं और अपलोड करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे द्वारा कराएंगे तो मैं उसको बनाऊंगा भी और अपलोड भी मैं ही करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बना करके भेजता हूं तो वो आपसे फिर भी अपलोड नहीं होता, इसलिए वो चीज़ मैं ही इसमें देखता हूं कि कहां पर क्या इशू है तब जा करके वो अपलोड होता है। और मैंने लास्ट ईयर भी जुलाई में जब फॉर्म आया था इसी ईयर बेसिकली काफ़ी सारे कैंडिडेट के अपलोड किए थे जिनसे नहीं हो रहे थे। तो आपको करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आना है। मेरी जो आइडिया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरी आइडिया, वैसे मैं इसको ऐसे बोलता नहीं फॉलो करने के लिए, पर जब मेरे से कोई स्पेशल हेल्प के लिए आता है तो उनको मैं बोलता हूँ कि पहले आप मुझे फॉलो कीजिए और बाद में ऐसा मत करना कि फॉलो कर दे और फिर जैसे हेल्प हो जाए अनफॉलो कर दे। तो ये मेरी आइडिया है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा और उसमें आपको आपका फोटो साइन भेज देना है, मैं आपसे बात करके आपका डिटेल्स लेकर के आपका फोटो साइन अपलोड कर दूंगा और उसके लिए कोई चार्ज भी मैं बेसिकली करता नहीं हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप तभी कीजिए जब आपसे ना हो, आप अपना पूरा प्रोसेस इस वीडियो को देख करके थक जाए और तब भी ना हो तब आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पहले इन्फॉर्मेशन भेज दे, क्योंकि मुझे किसी इन्फॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जब बिल्कुल ये हो जाए कि यार नहीं हो रहा है और बहुत ही इमरजेंसी है तब आप मेरे द्वारा कराइएगा। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।